नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के खजुरी में, जो कि उनका घर है और रहने वाले निवास में है, मैं बात कर रहा हूं अविनाश तिवारी जी का। जी हां, बघेली के मशहूर कलाकार, जिन्हें अभिनेता कहा जाता है, जो बघेली के सुपरस्टार हैं, जिन्हें सुपरस्टार के नाम से जाना भी जाता है बघेली के, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत ही सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी तो कुछ उटपटांग इनसे हो जाता है, तो कभी ऐसा होता है कि कुछ न कुछ गलती कर बैठते हैं ऐसी, जिसके चलते इनके ऊपर केस भी दर्ज हो जाता है। ऐसे ही अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा, इन्होंने एक भोलेनाथ के साथ एक वीडियो शूट किया है, जो खुद भोलेनाथ बनते हैं, और आपको बता दूं कि एक्टिंग खुद कर रहे हैं, और जो उसमें एक्ट्रेस है, यानी कि जो पार्वती का रोल कर रहा है, वो है सैलू शर्मा जी। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सैलू शर्मा और अविनाश तिवारी की इस वीडियो में एक छोटा सा ऐसा भी वीडियो, रील्स कह सकते हैं, जो बनाया गया है, उसमें एक फिल्मी गाना भी डाला गया। उस फिल्मी गाने के चलते काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है इनको, और ट्रोल की वजह है कि उसमें ये फिल्मी जो गाना है वो प्यार और मोहब्बत और रोमांटिक टाइप का है। जी हाँ, आपको बता दें कि रोमांटिक वे वाला जो अभी फिल्म की एक ऐसा सॉन्ग जो आया है, जो इसमें डाला गया है, उसके चलते इनके ऊपर FIR की मांग भी की गई। अविनाश तिवारी जी लगातार बघेली में हर वक्त कुछ ना कुछ आपको हंसाते रुलाते रहते हैं। कभी इमोशनल करते हैं तो कभी हंसाते हैं, ऐसे कॉमेडी करते रहते हैं। आप लोगों को मैं खास बात बताना चाहूँगा उनके बारे में कि कुछ ही दिन पहले उनका एक ऐसा केस आया था, जहाँ एक सेन को उन्होंने नौवा बोल दिया था, नाई बोल दिया था, और खासकर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उसमें उन्होंने उसे रे बोला था। यानी कि जो बघेली में जो एक कलाकार है, उस कलाकार को उन्होंने एक वीडियो में रे बोला था, लेकिन सेन समाज ने उनके ऊपर केस दर्ज करवा दिया था। ऐसे ही अभी जो है, तो भारत में सनातन धर्म के होते हुए भी उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसका उन्हें पश्चाताप भी है, और इस गलती का उन्होंने माफ़ी भी मांगा है आकर। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में इस टाइम पर उनकी सबसे ज़्यादा सुर्खी यही बनी हुई है। इन सुर्खियों में उनका ये कहना है कि ये इसमें गलत क्या है, इस गाने में गलत क्या चल रहा है। हमारे हिसाब से तो गाना बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें अगर कुछ गलत लगता है, तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। उनका कहना यह है कि इस गाने में कुछ भी गलत नहीं है। अगर इसे फिल्मी की तरफ से अगर ना देखा जाए, तो शायद उन्हें यह लग रहा है कि यह भक्ति गाना है। लेकिन बेहद दुखद बात यह है कि उन्होंने एक समाज को, एक यहाँ का संस्कार, जो बिंदे का संस्कार है, उस संस्कार के ऊपर पानी फेर दिया है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार जो कि सुर्खियों में बने रहते हैं, जो कि आप लोगों को ये भी बता दूँ कि एक सुपरस्टार के रूप में लोग उन्हें देखते हैं, उनके इतने फॉलोवर हैं, 1 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी कि जहाँ 10 लाख लोग देखते हों, उसी 10 लाख लोगों ने अगर उस तरीके से उन्हें देख लिया है, तो बताइए कि उनके जो फॉलोवर हैं, इस सनातन धर्म को किस तरीके से देखेंगे। इसे अगर ठेस अगर पहुंचता है, तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज़ के साथ। मैं आपको ऐसे ही खबरों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। धन्यवाद, अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।